हाँ दावत दी और हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग मुकम्मल तौर पर जायजा लिए हैं माशाल्लाह बच्चों का। जब से मैं बर्दाश्त कर रहा था मेरे सीने को रोक, जो बच्चों की हालत यहाँ पर है, जिन माँ बाप की तड़प यहाँ पर है, माँ बाप को सबर दे, बच्चों को जो है ना अल्लाह से माफ़ दे और अल्लाह ताला हमको इनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबे हिसाब शुमार। दरूद और सलाम मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, प्यारे नबी के अहले बैत पर, तमाम के तमाम सहाबा इकराम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से इंशाल्लाह आपके सामने फिर एक मरतबा मैसेज रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आवाज़ को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचा दे अपनी रहमत से। और तमाम के तमाम सुनने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो सुनिए, जरूर आगे शेयर करिए और आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वाज़ह तौर पे कुरान हकीम में ऐलान सूरत मायदा आयत नंबर 32 में, किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मौका दिया है 29 अगस्त 2021 को हलखे कारवन मस्जिद रहीम खान में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मासूम बच्चे त्रिस्मिया की बीमारी के अंदर मुलविस है, जो हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में 3000 बच्चे हैं, उनकी तकलीफ क्या है, उनके जिस्म में खून सूख जाता, जिस तरह जब तक पेट्रोल बाकी रहा, जब तक गाड़ी चलती पेट्रोल जब खत्म हो गया, जिस तरह गाड़ी ऑफ होती, उसी तरह वो मासूम बच्चे मौत की आगोश में जाके सो जाते। तो हम सब की जिम्मेदारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से अल्लाह का एहसान अदा करते हैं, त्रिस्मिया के हॉस्पिटल के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं, आजाद रिपोर्टर अबू अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हैदराबाद हलका कारवान रहीम खान मस्जिद खतीब फजीलतुल शेख शकील अहमद साहब हफिजुल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, फजीलतुल शेख अब्दुल अजीज बिन शकील अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत अपने फजल अपने करम से इनकी निगरानी में इनकी सरपरस्ती में फिर एक मरतबा 29 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे शाम में 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप फिर लगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी जिम्मेदारी है जिस तरह इस मुल्क को आजाद करने में, जिस तरह हम फख्र से बोलते हैं हमारा ना 15 अगस्त क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों की नजराने पेश किए, कुर्बानी दी, अपनी गर्दनों कटाया और अपने खून से इस जमीन के अंदर गुलाब के पौधों को जमीन के अंदर गाड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह जिस तरह हमने हमारे मुल्क के लिए जान व माल दौलत खून की कुर्बानी दी, इसी तरह इंशाल्लाह तमाम भाइयों से हलके कारवान के रहने वाले तमाम भाइयों से, लंगर रोज वाले, गोलकुंडा वाले, टप्पा चबूतरा वाले, एसी गार्ड वाले, जियागुड़ा, कारवान, तालागड्डा, आता के गोशा महल और गोशा महल के एमएलए टाइगर राजा सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो जरिए, राजा भाई अपने चाहने वालों को लेके आइए और धूल पेट मंगलार गोईगुड़ा कमान शिव मंदिर के रहने वाले लोधा कम्युनिटी वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए। मीडिया के अंदर आके कुछ पंडित और कुछ स्वामी कहते हैं कि गैर मुसलमान भाइयों को बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहिए, वो तो करो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके रिजक नसीब का रिजक उन्हें खा लेता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नया नॉन मुस्लिम मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी सलामती के लिए मेरी और आपकी तमाम कम्युनिटी, सबसे पहले हम इंसान है, दूसरी बात हम हिंदुस्तानी और तमाम के तमाम मजहब एक चीज की तालीम देते, इंसानियत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टाइगर राजा सिंह साहब से आप भी आइए और लोधा कम्युनिटी वाले भाइयों से आप भी आइए और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के एक रब के सामने
सजा करने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी आइए, दोस्तों अहबाब को लेके आइए, मासूम मासूम बच्चों की जान के लिए थोड़ा खून जाएगा, 350 ग्राम तो कुछ होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का शुक्र है, एक महीने में दो दो मरतबा भी देखे अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई आपके साथ मुखातिब कर रहा है। मेरे भाई अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, जो माँ के पेट के अंदर तीन तीन पर्दों के अंदर हमारा ख्याल रख सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो रब के सामने गिड़गिड़ा के मांगने के काबिल हुए हम। भगवान राम साहब के मांगने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी रहीम खान मस्जिद को आइए, सिर्फ मस्जिद खाली नमाज पढ़ने की जगह नहीं, खिदमत खल्क की, सिला रहमी की, दीनी तालीमात की मरकज होता मस्जिद मरकज, ठीक है। कुछ लोग खाली नमाज पढ़ लिए लग दल चले आते, नहीं, आइए हर खैर का काम इंशाल्लाह इंसानियत का तमाम कम्युनिटी के वास्ते इंशाल्लाह कानून के दायरे में इंशाल्लाह किया जाएगा। आप भाइयों रिक्वेस्ट है 29 अगस्त इतवार का दिन 2021 मस्जिद रहीम खान इंशाल्लाह कारवान आइए, तमाम हमारे भाइयों से, देवबंदी भाइयों से, बरेलवी भाइयों से, अहले हदीस भाइयों से, गैर मुसलमान भाइयों से, लोधा कम्युनिटी वालों से, ईसाई भाइयों से रिक्वेस्ट है आप लोग आगे आइए। जिस तरह हम सब के बड़ों ने इस मुल्क की अमन और सलामती के वास्ते अपनी जान का कुर्बानी दी, जान लगाए, माल लगाए, खून कुर्बानी दिए गर्दनों की, इसी तरह थोड़ा थोड़ा खून हम भी देंगे इंशाल्लाह, हमारे मुल्क के अंदर अमन और सलामती के साथ इंशाल्लाह हमारे मासूम बच्चों को बचाएंगे। ये मासूम जो जिंदगी जंग लड़ रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को परमिट हमेशा के लिए अल्लाह को शिफा दे देते, बीमारी से अल्लाह निजात दे दे। जज़ाकअल्लाह खैर, वीडियो सुनिए 29 अगस्त 2021 इतवार का दिन मस्जिद रहीम खान में, वीडियो सुनिए, जरूर आगे शेयर करिए। जज़ाकअल्लाह खैर तमाम गैर मुसलमान भाइयों से, मंगल आठ के, जिया गुड़े के, बोईगुड़ा कमान के, ला इलाहा पढ़ने वाले देवबंदियों से, बरेलवियों से, अहले हदीस, सबसे रिक्वेस्ट है आइए इंशाल्लाह अल्लाह मालिक की मखलूक के लिए आगे आइए। जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह मैं भी रहूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, एक वॉलंटियर बन के, एक खादिम बन के इंशाल्लाह मैं भी उसमें काम करूंगा, मेंबर बन के इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, दुआ करिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।